राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की गैर मौजूदगी पर पीएम मोदी ने जताई नाराजगी, अनुपस्थित रहे सांसदों की लिस्ट मांगी। राजनीति को बेदाग करने के लिए एससी का बड़ा कदम, बीजेपी कांग्रेस समेत 8 दलों पर ठोका जुर्माना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी, देश में पिछले 7 दिनों में आए कोरोना के मामलों में आधे से ज्यादा केस केरल से दर्ज। बिगड़ते हालात के बीच भारत ने अफगानिस्तान के मजार शरीफ से राजनयिकों को वापस बुलाने का किया फैसला, कल लौटेंगे राजनयिक। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एमएलए ने 27% ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर विधानसभा में पहने काले एप्रन, शिवराज बोले ये है पाखंड। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। भोपाल विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे, जहां पूर्व सीएम ने विधानसभा में लगी प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। कमलनाथ ने प्रदर्शनी में मौजूद चीजों का बारीकी से निरीक्षण किया और लोगों से इसके बारे में जानकारी भी हासिल की। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रदर्शनी का बीते दिनों उद्घाटन किया था। तो आज भोपाल के विधानसभा में पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे थे, जहां पर लगी प्रदर्शनी का उन्होंने निरीक्षण किया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कमलनाथ प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए। साथ ही प्रदर्शनी में मौजूद चीजों का भी उन्होंने बारीकी के साथ जानकारी ली, साथ ही वहां पर मौजूद लोगों से इस पूरे सभी चीजों के बारे में जानकारियां उन्होंने हासिल की है। आपको बता दें कि बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। वहीं विधानसभा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर भी आरोप लगाया, जहां उन्होंने बताया कि शिवराज सरकार हर मुद्दे पर टालमटोल कर रही है, विधानसभा में किसी भी बात का जवाब देने को कोई भी तैयार नहीं है, शिवराज और उनके मंत्री गोलमाल की राजनीति कर रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। स्थगन प्रस्ताव मूव किया था, हमारी चर्चा हुई थी, हमारी चर्चा ऑल पार्टी मीटिंग में हुई थी कि जो हमारे स्थगन प्रस्ताव है उसमें से आप एक तो स्वीकार कर लीजिए। हमने 139 में कई प्रस्ताव रखे थे, उसमें से आप बता दीजिए 3-4 आप स्वीकार करेंगे। हमने ध्यान आकर्षण के लिए रखे थे, हमने कहा आप बता दीजिए आप कितने रखेंगे, कुछ बताने को तैयार नहीं, क्योंकि इनकी जो दबाने और छिपाने की रणनीति है हर क्षेत्र में, कोविड हो। वहीं गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बाढ़ और कोरोना हालातों पर जानकारी दी। उन्होंने बाढ़ को लेकर कहा कि बचाव कार्य फिलहाल खत्म हो चुका है, अब राहत कार्य तेजी के साथ चल रहे हैं। वहीं कोरोना को लेकर उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में बीते दिनों 10 मामले सामने आए हैं, वहीं 12 लोग भी ठीक हुए हैं। वहीं उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनाते हैं। बूंदाबांदी तीन तक ही सीमित रही और इसलिए राहत कैंपों की संख्या भी अब बढ़ गई है, 137 को राहत कैंप रह गए। लोग अधिकांश शिविरों में बारिश थमने के कारण से वो अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, अपने अपने गंतव्यों की ओर जा रहे हैं। जो ऊंचाई पर लोग थे वो भी अब लौटकर अपने अपने घरों में वापस पहुंचे, जबकि 12 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गए। 162 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में कुल बचे हैं। संक्रमण दर 0.014 अब प्रदेश की रह गई है, जबकि रिकवरी दर 98.8 मध्य प्रदेश की। भोपाल विधानसभा में निर्दलीय विधायक शेरा भैया अपनी पत्नी जयश्री ठाकुर को लेकर पहुंचे, वहीं उन्होंने खंडवा लोकसभा से अपनी दावेदारी पेश की। वहीं उन्होंने बताया कि कांग्रेस से मेरी पत्नी को 100% टिकट मिल रहा है, अगर कांग्रेस का सर्वे सच्चा है तो हमारा ही नाम होगा, आदिवासी हमारी ताकत है और हमारी जान है। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग तो शुरू से तैयार है, हमारी तो कर्मभूमि है खंडवा लोकसभा। दो बड़े भाई स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार सिंह, स्वर्गीय ठाकुर महेंद्र सिंह सांसद रहे, एक 80 में रहे, एक 90 में रहे, और पूरा परिवार राजनीति में 50 साल से है। एक एक बच्चे बच्चे को हमारा परिवार पहचानता है, जानता है, सबको मिलता है। अभी निर्दलीय चुनाव आप लोग के आशीर्वाद से जीते हम लोग वहाँ पर, उसके बाद भी रोज मैं
विधायक आपके द्वारा करता हूँ, रोज 2.5-3 घंटे एक एक वोटर के घर जाके पूछता हूँ गाँव। हमारा पूरा अधिकार है लड़ने का। आदरणीय कमलनाथ जी से भी हमने निवेदन किया है टिकट के लिए, और सोनिया जी जो है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, जयश्री ने टिकट मांगा, एक महिला ने टिकट मांगा, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी आशीर्वाद दे और जयश्री पूरा विश्वास दिलाकर टिकट दे खंडवा लोकसभा के लिए। और बड़ी आप लोग के वहीं भोपाल में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि अजय सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी विरोध चेहरा सामने आ रहा है, जहां कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आदिवासी वर्ग के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हितों का ध्यान रखा है। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आ गया है, जहां कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आदिवासी वर्ग के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हितों का ध्यान रखा। आदिवासी वर्ग के गौरव सम्मान को ध्यान रखते हुए हमारी सरकार के दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 9 अगस्त को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया एवं सभी विकास खंडों को इस आयोजन को भव्य तरीके से मनाने के लिए धन भी उपलब्ध करवाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही आदिवासी दिवस का अवकाश बंद कर दिया गया। हमारी सरकार के दौरान आदिवासियों को वन अधिकार दिए गए, जिससे वनों की भूमि के पट्टे आदिवासियों को दिए गए खेती करने के लिए। भाजपा सरकार में वन अधिकार भी समाप्त किया जा रहा है। हमारी सरकार ने साहूकारी प्रथा से मुक्ति दिलवाने के लिए कानून बनाया, आदिवासी वर्ग को बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता दी। 45 करोड़ के कर्जे अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा माफ किए गए। हमारी सरकार के दौरान आदिवासी वर्गों के आयोजनों के लिए अष्टांग योजनाएं बनाई गई, जिसमें धार्मिक स्थलों के पूजा पाठ, जीर्णोद्धार के लिए पैसा दिया गया, छात्रवृत्ति बढ़ाई गई, नए नए छात्रावास बनाए गए, 13 एकलव्य विद्यालय बनाए गए। हमारी सरकार ने हमेशा आदिवासी वर्ग के हितों के लिए लड़ाई लड़ी। बैकलॉग के पदों को भरा गया और भाजपा सरकार में आदिवासी वर्ग के बैकलॉग पदों को समाप्त करके अन्य वर्गों से भरा जा रहा है। मध्य प्रदेश का आदिवासी वर्ग देख रहा है नेमा वर्ग की घटना, जिसमें आदिवासी वर्ग के साथ अन्याय हुआ। सीबीआई जांच तक नहीं करवाई इस सरकार ने। प्रदेश का 2 करोड़ आदिवासी वर्ग भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा और आदिवासी वर्ग के साथ कांग्रेस पार्टी सदैव खड़ी है। आदिवासी दिवस की बहुत बहुत विश्व आदिवासी दिवस पर राजधानी भोपाल में कांग्रेस सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और संविधान बचाओ का संकल्प भी ले रही है। वहीं भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठियां भाजी और विधायक कमलेश्वर पटेल, जयवर्धन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शनकारी कांग्रेस विधायकों ने कहा कि भाजपा की सरकार में आदिवासी समाज पर अत्याचार हो रहे हैं। कांग्रेस या आदिवासी किसान और मजदूरों की लड़ाई में विश्वास करती है और कांग्रेस गरीबों और कमजोर लोगों की आवाज हमेशा उठाती रहेगी। इसके साथ ही कांग्रेस को आड़े हाथे लेते हुए कहा गया है, आपको बता दें कि भाजपा कभी दलित या आदिवासी समाज का हित नहीं कर सकती। ऐसे में भोपाल से पूरा मामला सामने आया, जहां पर सड़कों पर कांग्रेसी दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि आज आदिवासी दिवस के मौके पर सरकार का विरोध किया गया है, जिसके बाद सड़कों पर हजारों की संख्या में कांग्रेसी नजर आए। वहीं इसी बीच भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया, जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं भोपाल के लिली टॉकीज चौराहे पर आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन देखने को मिला, जहां वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से आई हजारों की तादाद में आशा कार्यकर्ता शामिल हुई। वहीं कार्यकर्ताओं को विधानसभा तक पहुंचने नहीं दिया गया। प्रदर्शनकारी आशा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने नीलम पार्क में नजरबंद कर दिया। इससे पहले भी वेतन वृद्धि को लेकर आशा कार्यकर्ता आंदोलन कर चुकी हैं और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम ने वेतन वृद्धि को लेकर आश्वासन भी जारी किया था, पर अब तक वादा पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद अब आशा कार्यकर्ताओं का इस प्रकार से गुस्सा फूट गया है। आपको तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां पर महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। हजारों की तादाद में आशा कार्यकर्ता यहां पर पहुंची हुई थी, जहां पर वेतन वृद्धि की मांग को लेकर महिलाएं डटी हुई दिखाई दी। वहीं महिलाओं को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। आपको बता दें कि लगातार आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा इस प्रकार के आंदोलन किए जा चुके हैं। वहीं बीते दिनों
स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राव ने आश्वासन दिया था कि वेतन वृद्धि जल्द से जल्द की जाएगी, पर अब तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं रायसेन जिले के बेगमगंज में अपनी विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर तहसील के सभी पटवारियों ने तहसीलदार एनएस परमार को ज्ञापन सौंपकर हड़ताल पर चले गए। आपको बता दें कि ज्ञापन में साफ तौर पर कहा गया कि प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर अपनी मांग को लेकर पटवारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और बस्ते जमा कर अनिश्चितकालीन के हड़ताल का शुभारंभ किया है। वहीं पटवारी संघ के जिला कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक हम सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। तो रायसेन में आज पटवारियों की कलमबंद हड़ताल देखने को मिली है। आज आपको बता दें कि पटवारियों ने तहसीलदार के पास पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर दिया है। साफ तौर पर पटवारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती तब तक ये हड़ताल इसी प्रकार से जारी रहेगी। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर पटवारियों की विभिन्न पुरानी मांगों के संबंध में आज से तहसील के समस्त पटवारी प्रांतीय संघ के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। हमारी एक ही मांग है 2800 ग्रेड पे एवं बेस्तांग विसंगति को दूर करना। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की पिछले कई वर्षों से एक ही मांग रही है कि पटवारियों की वेतन विसंगति दूर कर 2800 ग्रेड पे दिया जाए। इसके पूर्व में आश्वासन भी मिले हैं किंतु मांगें पूरी नहीं हुई हैं। उसी के चरणबद्ध आंदोलन चल रहे थे, उसी के आखिरी चरण में अनिश्चितकालीन आंदोलन। इंदौर में यूं तो जहरीली शराब की मौत के आंकड़े लगातार अब सामने आ रहे हैं। इसी बीच शहर के हीरानगर थाना में पदस्थ एसएसआई की अचानक हुई मौत को लेकर कई आशंकाएं खड़ी हो गई है। दरअसल ड्यूटी पर दो दिन से अवकाश पर चल रहे पुलिस अधिकारी की मौत पर अब सवाल उठने लगे हैं जिसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। जहरीली शराब के कहर से हुई हालिया मौतों के बीच इंदौर के थाना हीरानगर में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह कुशवाहा का बीती रात निधन हो गया। इधर पुलिस के काबिल अधिकारी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर मृत्यु के संबंध में जहरीली शराब की भ्रामक सूचना फैल गई जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने सभी सवालों पर पर्दा उठाने के लिए अपने ही महकमे के कर्मचारी की मौत की असल वजह जानने के लिए फिलहाल पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा किया जा सकेगा। आपको बता दें कि हीरानगर थाना में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह कुशवाहा का बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया था जिसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर मृत्यु के संबंध में भ्रामक खबरें फैल रही थी। कई जगहों पर पोस्ट में लिखा गया कि जहरीली शराब के कारण पुलिस के अधिकारी की मौत हुई है जिसके बाद से पुलिस हरकत में आ चुकी है। आपको बता दें कि कई दिनों से इंदौर में जहरीली शराब पीकर मौतों के मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होना, वहीं मामले पर भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाना जिसमें अवैध शराब का जिक्र किया गया हो, ऐसे में पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस महकमे में कर्मचारी की मौत को लेकर लगातार तफ्तीश की जा रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करने में संभव हो पाएगी। वहीं धार जिले के मांडव से सावन के तीसरे सोमवार को सत्य सनातन हिंदू धर्म प्रेमी संघ ने मांडू के मां रेवा कुंड से श्री सिद्धेश्वर महादेव कावड़ यात्रा निकाली जो रेवा कुंड से मांडू के टंट्या मामा स्मारक पहुंची जहां सभी कावड़ियों ने जननायक टंट्या मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा किया जिसके साथ यात्रा मांडू से चतुर्भुज प्रभु श्री राम के दर्शन के बाद नालचा नगर के मुख्य मार्ग से होती हुई सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंची जहां मां शारदा के पवित्र जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया और आरती के पश्चात प्रसादी वितरण कर यात्रा का समापन किया गया। यात्रा का पूरे मार्ग पर जगह जगह विभिन्न मंचों ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। यात्रा में हजारों शिव भक्त और सनातन हिंदू धर्म प्रेमी संघ के कार्यकर्ता भी मौजूद दिखाई दिए। आपको बता दें कि इस वक्त सावन के सोमवार की धूम देखने को मिल रही है। जगह जगह पर शिवालयों में भक्तों का तांता भी देखने को मिल रहा है। ऐसे ही धार से भी यह खबर सामने आई है जहां पर कांवड़ियों की धूम देखने को मिली है। आपको बता दें कि सत्य सनातन हिंदू धर्म प्रेमी संघ ने मांडू के मां रेवा कुंड से श्री सिद्धेश्वर महादेव तक कांवड़ यात्रा का आयोजन किया था जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए थे जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ लोगों का उत्साहवर्धन भी किया गया। वहीं जगह जगह पर मंच लगाकर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई है। आपको बता दें कि ये यात्रा
कई जगहों से होकर गुजरी, जिसके बाद लोग इसमें शामिल होते चले गए। वहीं अंत में ये पूरी यात्रा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां मां नर्मदा के पवित्र जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया और आरती का आयोजन किया गया। आते अपन ने रेवा कुंड से कावड़ यात्रा करके वहाँ से निकले अपन, तो श्री टेंटे बाबा को माला अर्पण करी और वहाँ से निकले श्री राम मंदिर में दर्शन करा और वहाँ से निकले अपन ने सिद्धेश्वर मंदिर में दर्शन करे और जल अभिषेक करा। वहाँ से अपन रवाना हुई तो ये अपने कड़कड़ घाटी बजरंग बली मंदिर के यहाँ सभी हजारों की संख्या। धार जिले में इस वक्त बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि बदमाश अब मासूम लोगों को भी मारने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बता दें कि बीती रात अज्ञात बदमाशों ने इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 47 दती गांव के पास गोरी ढाबे पर लूटपाट करने के साथ जमकर उत्पात मचाया, जहाँ चोरों का सामना करने आए रहवासी को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे, जहां पर एसपी ने बताया कि रात को कुछ अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है। तो धार से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर बदमाशों के हौसले इस वक्त बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जिस प्रकार से घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे साफ तौर पर लगता है कि बदमाशों में इस वक्त पुलिस का कोई भी खौफ नहीं रह गया है। आपको बता दें कि बदमाशों ने धार में एक ढाबे को अपना निशाना बनाया, जहां पर लूटपाट के साथ उन्होंने जमकर उत्पात मचाया। वहीं बदमाशों को रोकने के लिए पहुंचे एक ग्रामीण पर बदमाशों ने गोली चला दी, जिसके बाद ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अब आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। कितने लोग थे? 8-10 जन। अच्छा, किसको लगी गोली? कल रात को देवता थाने में गौरी ढाबा है, चोर घुसे थे। जब लोकल जो लोग हैं मदद करने के लिए आए, तो बाहर से ही लोगों ने घिराव किया, तो जो चोर थे भागते समय उन्होंने फायरिंग की, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। जल्दी से वहीं इसी प्रकार से इंदौर में भी बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जहां पर दुकान बंद करने को लेकर एक कैफे पर बदमाश ने कैफे के मालिक को डराते हुए देसी कट्टे से फायरिंग करना शुरू कर दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं पूरी फायरिंग की घटना कैफे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई है। दरअसल इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में बीते दिन मामूली विवाद को लेकर तालाब के सामने बने कैफे पर बदमाश ने हवाई फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। वहीं खजराना थाना के जांच अधिकारी रितेश यादव ने बताया कि फरियादी वकार हुसैन द्वारा खजराना पुलिस थाने पहुंचकर अज्ञात बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। मामले में पीड़ित के बयानों के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश फिलहाल शुरू कर दी है। तो जिस प्रकार से इंदौर से भी ये घटना सामने आई है, जहां पर खुलेआम गोली कांड देखने को मिला है। आपको बता दें कि एक कैफे के बाहर एक बदमाश ने हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गया। वहीं कैफे के मालिक ने पूरे मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी। फिलहाल कैफे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाश की यह हरकत कैद हो गई है, जिसके आधार पर अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि दादा सैलानी कैफे जो तालाब के सामने गोया रोड पे है, वहाँ पे कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुकान बंद कराने के नाम पे हवाई फायर किया है, जिसपे से 307 का अपराध पंजीबद्ध कर जाँच में। वहीं सावन माह में इस वक्त हरियाली छाई हुई है। सावन माह भगवान शिव का माह कहा जाता है। सावन माह के प्रारंभ के दिन से ही लगातार बारिश का दौर भी शुरू हो जाता है। वहीं रायसेन जिले के सिलवानी पंचायत परिसर में जन सहयोग से ग्रहों के आधार पर स्थापित की गई नवग्रह वाटिका ने भी हरियाली की चादर ओढ़ ली है। वाटिका में लगे विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे लगातार अग्रसर हो रहे हैं। आपको बता दें कि वहां की सीईओ रश्मि चौहान ने बताया कि तारा मंडल में स्थित 9 ग्रहों के आधार पर नवग्रह वाटिका का निर्माण जन सहयोग से किया गया है।
वाटिका में गृह के मान से पौधों का रोपण किया गया है और इस वक्त सिलवानी में नवग्रह वाटिका का नजारा देखने को ही बनता है। आपको बता दें कि इस वक्त विभिन्न प्रजाति के पौधे लहराते हुए वहां पर दिखाई दे रही हैं। वहां पर पौधों की महक से इस वक्त पूरा परिसर गुलजार होता दिखाई दे रहा है। नवग्रह वाटिका इस वक्त काफी खूबसूरत लग रही है। इसकी जानकारी देते हुए वहां के पर मौजूद सीईओ रश्मि चौहान ने बताया कि तारा मंडल के आधार पर, नौ ग्रहों के आधार पर ये नवग्रह वाटिका का निर्माण किया गया है। इस वाटिका को बनाने में लोगों का काफी सहयोग रहा है। वहीं ऐसे में वाटिका का इस प्रकार से फल फूलना लोगों के लिए काफी आनंद का विषय है। वहीं सिलवानी के ग्राम चंद्रपुरा के में विशाल कांवड़ यात्रा और बाबा अमरनाथ का महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। 8 अगस्त दिन रविवार को सभी कांवड़ यात्री एवं युवा समाज सेवी जयदीप पटेल के साथ हजारों की संख्या में बोरास घाट मां नर्मदा के तट पर नर्मदा जल कांवड़ में भरकर ग्राम चंद्रपुरा पहुंचे। सभी कांवड़ यात्रियों ने कांवड़ जल के द्वारा बर्फ के शिवलिंग बाबा अमरनाथ का महारुद्राभिषेक किया। दरअसल श्रावण मास में बर्फ से निर्मित शिव अभिषेक का आचार्यों में बेहद ही महत्व बताया जाता है। इस अवसर पर कई क्षेत्र के श्रद्धालु भी अभिषेक करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो आपको बता दें कि इस वक्त सावन के महीने में शिव भक्तों की धूम देखने को मिल रही है, जहां पर शिव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं आप रायसेन में भी विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई, साथ ही महारुद्राभिषेक कार्यक्रम को भी आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौके पर पहुंचे। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।